आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से एक रेगुलर नॉर्मल सूइंग मशीन के साथ आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं मशीन एम्ब्रॉयडरी। कोई भी सिंपल सी कुर्ती को आप एक डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ नेक की डिज़ाइन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये कैनवस का पीस। ये जो सॉफ्ट वाला कैनवस होता है हमें वो इस्तेमाल करना है। इसकी लेंथ है 15 इंचेस और इसकी चौड़ाई है 11 इंचेस की। इसके बाद हम इसे बीच में से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और फिर ये जो खुला हुआ पोर्शन है यहाँ से हम 5 इंच मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम डिज़ाइन देंगे एक वी शेप, तो उसके लिए हम 5 इंच मार्क कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम जॉइन कर लेंगे उसे। तो अभी हमारा नेक का शेप रेडी हो गया। यहाँ पर मैंने कुर्ती की ऑलरेडी कटिंग कर ली है और ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट है। अब हम जो हमारी कैनवस है उसे कुर्ती के बैक पार्ट पर इस तरह से प्लेस करेंगे और प्लेस करने के बाद हम उस पर आयन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कैनवस पेस्ट कर ली है कुर्ती की रॉन्ग साइड पर। अब यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाएंगे इस कैनवस पर। तो यहाँ पर मैं एक मिड पॉइंट मार्क कर ले रही हूँ। उसके बाद हम एक एक इंच की दूरी पर यहाँ पर लाइंस बना लेंगे। दोनों साइड्स पर मैं इस तरह से हाफ इंच छोड़ दे रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर लेस अटैच करनी है। इसके बाद हम इस तरह से लाइंस बना लेंगे हमारी मार्किंग कर लेने के बाद। अब ये एम्ब्रॉयडरी बनाने के लिए मैं इस तरह से एंकर थ्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी इसमें थ्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी क्रोशे थ्रेड या कोई भी आप धागा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारी एम्ब्रॉयडरी शुरू करने से पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारा बॉबिन केस है इसमें जो एक स्क्रू है, सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा ढीला कर लेंगे। 2 से 3 टर्न्स आप इसे कर लें तो ये थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हम इसमें थ्रेड हम जब इंसर्ट करेंगे हमारी बॉबिन में, तो हमारा थ्रेड काफ़ी थिक है, तो ये लूज़ करने से हमारा थ्रेड ईजिली पास हो पाएगा। और यहाँ पर मैं बॉबिन में एम्ब्रॉयडरी थ्रेड को इस तरह से हाथ से ही भर ले रही हूँ। अब जब हम इसे बॉबिन केस में डालेंगे तो ये काफ़ी ईजिली इसमें से पास हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 2 बॉबिन्स इस तरह से ऑलरेडी भर ली है। तो फिर से चलेंगे हमारी नेक डिज़ाइन की तरफ। तो यहाँ पर मैं जो हमने 1 इंच का मार्क किया था उसके बीच में मैं और एक आधे इंच का मार्क कर ले रही हूँ। तो बेसिकली हमारे आधे आधे इंच पर हमारी ये वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी। अब जो ये वी शेप है यहाँ पर भी मैं 1/4 इंच का इस तरह से मार्जिन छोड़ ले रही हूँ। अब ये जो हमारा थ्रेड है ये हमारी बॉबिन में चला जाएगा एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, और ऊपर का धागा हमारा प्लेन सा होगा जो भी आपका एम्ब्रॉयडरी का धागा है उससे मैच करता हुआ। सबसे पहले आप इस तरह से एक पैच पर, कपड़े के पैच पर आप ट्राई कर लें आपकी स्टिचेस। डायरेक्टली आप अपने नेक पर ना ट्राई करें। तो इस तरह से मैंने एक छोटे से पैच पर ट्राई कर लिया है।
उसके बाद आपको सिंपली ये जो हमने लाइंस बनाई हैं उस पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, आपका ये जो थ्रेड है ये हर चार लाइन के बाद ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा बॉबिन में से, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपना थ्रेड इस तरह से कोई भी क्रोशे की नीडल से आपको ऊपर की तरफ ले लेना है। यहाँ पर मैं 0.65 mm वाली क्रोशे हुक का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आपको अपना इस तरह से धागा जो है एम्ब्रॉयडरी का ऊपर की तरफ ले लेना है, और उसके बाद जो आपका रेगुलर सिलाई का धागा है इन दोनों को लेके आपको 2 से 3 नॉट्स लगाकर उसे सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी के थ्रेड को हमने बहुत ही नीटली ऊपर की तरफ पुल करके उसे सिक्योर कर लिया है। बस उसके बाद आपको अपनी रेगुलर एम्ब्रॉयडरी जो आप कर रहे हैं करनी है। वो हो जाने के बाद मैं ये जो मेरा वी शेप है उस पर भी एक सिलाई लगा ले रही हूँ। तो अब हमारी बेसिक मशीन एम्ब्रॉयडरी हो चुकी है और यहाँ पर मैंने वी शेप भी इस तरह से दे दिया है। ये हो जाने के बाद आपको नेक की शेप कट कर लेनी है और उसके बाद ही हम उस पर लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक क्रोशे की ज़िगज़ैग लेस अटैच कर रही हूँ। आप कोई भी कटवर्क की लेस या कोई भी जरी की लेस भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं पूरे शेप में यहाँ पर और नेकलाइन पर भी। तो मैंने लेस अटैच कर ली है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर इस तरह से बीड्स लगा लूँगी। यहाँ पर मैं धागे की रील इस्तेमाल कर रही हूँ इक्वल डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो ये है हमारी डिज़ाइनर कुर्ते की फाइनल लुक। कितनी इजीली यहाँ पर हमने मशीन एम्ब्रॉयडरी कर ली है रेगुलर सोइंग मशीन के साथ, और मैंने सिमिलर पैटर्न मेरी स्लीव पर भी लगा लिया है इस तरह से।
सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय.